नगर पालिका टीरी एवं चंबा द्वारा नियुक्त की गई एजेंसियों द्वारा अस्थायी कूड़ा डंपिंग जोन में खुले में डाला जा रहा है, जिसे गाय खा रही हैं। इस कूड़े को खाने से जिससे प्लास्टिक भी है, गौवंश मर भी सकते हैं, साथ ही इससे बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। उसके बावजूद उक्त एजेंसियों पर कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। यूके लैब ने स्पॉट पर जाकर की पूरी पड़ताल। नमस्कार, मैं ज्योति डोभाल और आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। अभी हम पहुंचे हैं मोखरी, जहां पर नगर पालिका चंबा और नगर पालिका टिहरी का कूड़ा डंप किया जाता है। कूड़ा डंप न कह के हम इसको बोलेंगे कि कूड़ा खुले में छोड़ा जाता है। यहां पर आप देखो, कूड़ा नगर पालिका की जो एजेंसी है, जिस एजेंसी को नगर पालिका ने काम दे रखा है, जीरो वेस्ट और जो चंबा की जो एजेंसी है, वो यहाँ पर कूड़ा जो है डंप करने की जगह पे जो है खुले में छोड़ रही है, जिससे लोगों के बीमार होने का खतरा है। ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ आसपास गांव भी होंगे, लोगों के रहने की दिक्कतें हैं, लोग यहाँ पर विरोध भी कर रहे हैं, उसके बावजूद जो सस्ता है जीरो वेस्ट टेरी में है और ऐसी चंबा में अलग सस्ता है। ये यहाँ पर कूड़ा खुले में डाल रहे हैं, जिससे जो है बीमारी होने का खतरा है। आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ देखो पूरा ऊपर तक देखेंगे आप तो पूरा कूड़ा खुले में है, और यहाँ से आप इधर दिखाइए, इधर ये पूरा कूड़ा जो है खुले में डाल दिया गया है। ये नगर पालिका हो, चंबा नगर पालिका हो, टिहरी नगर पालिका हो, दोनों के द्वारा ये कूड़ा यहाँ पर डाला जा रहा है। प्रशासन इसमें संज्ञान नहीं ले रहा है, और जब क्योंकि यहाँ ये कूड़ा अस्थाई, यहाँ पर डंपिंग जोन अस्थाई है, स्थाई नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पर कूड़ा ऐसे ही डाला जा रहा है, जो बहुत शोचनीय विषय है। यहाँ पर होना ये चाहिए था कि इसको ढंग से यहाँ पर जो है कूड़े को डंप किया जाना चाहिए था, जो नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।